तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आरपीएफ में निकली बम्पर भर्तियां के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है, तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों कि कब तक ऑनलाइन होगा, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कितना सैलरी मिलेगा, कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप इसे देख रहे हैं, इसे किस तरह से और कहाँ से डाउनलोड करना है, पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, इसी तरह का न्यू वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए। तो चलिए, ऑफिशियल साइट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसी 9,620 पदों पर निकाली गई है। देख सकते हैं कॉन्स्टेबल के पद पर वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, मेल फीमेल दोनों के पद पर है, और सब इंस्पेक्टर के पद पर वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे जानकारी दिया गया दोस्तों, इसका आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है दोस्तों। 25,500 से लेकर 63,200 रुपये तक पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगा दोस्तों। अगर बात की जाए अप्लीकेशन फी के बारे में, तो UR OBC जनरल 500 रुपया में अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, वहीं ST फीमेल कैंडिडेट 250 रुपया में अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना होगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के सहारे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं एज लिमिट के बारे में जानकारी दिया गया, जो 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए दोस्तों, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आप OBC का कैंडिडेट है तो 3 वर्ष अधिक छूट दिया गया दोस्तों, वहीं ST वालों को 5 वर्ष अधिक छूट दिया गया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं सिलेबस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया, इसे स्क्रीनशॉट मारकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना मार्क रहेगा दोस्तों, उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया। देख सकते हैं हाइट के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया, जो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना आवश्यक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रनिंग के बारे में जानकारी दिया गया, जो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों। तो फोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। अगर आप ST का कैंडिडेट है तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी दोस्तों एक लग सकता है, और भी इसमें अदर डॉक्यूमेंट भी लग सकता है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दिया गया, जो सबसे पहले रिटर्न एग्जाम लिखना होगा दोस्तों, ऑनलाइन लिखना होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया गया, जो 10वीं 12वीं डिग्री का कुछ भी कहें दोस्तों, आवेदन आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका आवेदन का डेट अभी तक नहीं आया, जब भी आएगा हम एक और वीडियो बनाकर बताएंगे दोस्तों, इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं पेपर के माध्यम से आवेदन आउट हुआ है दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं हिंदुस्तान जॉब की तरफ से आवेदन आउट किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे किस तरह से आवेदन फिल होगा उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। इन सभी का लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, यहां से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, यहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जो मैंने शुरू में दिखाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब की जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।